चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक्स, दैट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का 1.1 एक्सरसाइज जो उसका फर्स्ट सम मैं आपके बोर्ड के ऊपर यहाँ पे गिनने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे हमें तीन मेथड दी है। व्हाट आर दोस थ्री मेथड्स? सो फिक्स्ड बेस मेथड बेस्ड ऑन 2008, सेकंड वन इज चेन बेस मेथड एंड द थर्ड वन इज एवरेज फिक्स्ड बेस ईयर 2011 से लेकर 13 की एवरेज के बेसिस पे। तो हम बारी बारी से ये सम को कैलकुलेट करते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ए मेथड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए मेरे बोर्ड पे क्या अवेलेबल है। तो आपके पास ईयर 2008 टू 15 अवेलेबल है एंड अकॉर्डिंगली ये प्राइस भी मैंने यहाँ पे दी है, प्राइस 2008 टू 2015। ओके, दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हमने इंडेक्स नंबर की बात करी है तो इंडेक्स नंबर की जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आपको याद तो होगी, P0 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है उसकी खूबी में P0 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो P0 इज डिपेंड ऑन द मेथड, P0 इज डिपेंड ऑन द मेथड। कौन सी मेथड है? उस पर्टिकुलर मेथड के बेसिस पे यहाँ पे P0 आएगा। यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है उसकी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। तो वहां पे लिखा है आपके सम में, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.1 उसका फर्स्ट सम, वहां पे आपको बताया गया है कि फिक्स्ड बेस ऑफ 2008, तो 2008 की जो प्राइस है दैट इज 275, दिस विल बी कंसीडर्ड एज P0 एज फार एज दिस फर्स्ट मेथड फिक्स्ड बेस मेथड ये जो है वो डिपेंड करती है, राइट? तो P0 हर बार हमारी रहेगी 275। तो हर एक साल का इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है बट फिक्स्ड बेस के अकॉर्डिंगली। अब देखिए यहां पे मैंने दिखाया है आपको कि 2008, तो 275 आपका प्राइस है। अब यहां पे सबसे पहली बात यह है कि काफी सारे बच्चे जो है वो यहां पे फर्स्ट ईयर में इंडेक्स नंबर 100 सीधे ही लिख देते हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू कि ये मत करना, बिकॉज जब आप इलस्ट्रेशन 7 पे जाओगे इसके इमीडिएट पहले ये इलस्ट्रेशन है जिसमें 2010 जो ईयर था उसमें आपको बेस लेना है, यानी कि उस टाइम पे शायद अप्रोक्सीमेटली 2006 टू 2010 का कोई सम है और उसमें 2006 को बेस ईयर नहीं बताया गया, 2010 को बेस ईयर बताया गया। तब 2010 का कैलकुलेशन करते समय उन्होंने 2010 की प्राइस को P1 लिया है और 2010 की प्राइस को P0 लिया है और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग 100 ओवर देयर। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप कभी भी ये मत करना कि सीधे इंडेक्स नंबर फर्स्ट ईयर पे 100 लिखना। हाँ, काफी सारे फैकल्टीज ये कहते हैं कि फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर जो कि बेस में कंसीडर किया है उसे 100 लेना है, सो दैट इज द रॉन्ग मेथड। आप ये समझ लीजिए कि यहां पे हमें क्या करना है। तो फॉर्मूला मैंने यहां पे भी लिख दी है। तो सबसे पहले 2008, तो यहां पे फॉर्मूला P1 यानी कि जो करंट ईयर है अपना 2008 उसकी प्राइस होगी 275 और डिवाइडेड बाय क्या होगा P0, तो P0 अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्या लेना है 2008 की प्राइस, तो 2008 की प्राइस फिर से लिखेंगे 275 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपका सबसे पहले ईयर का इंडेक्स नंबर आपको मिलेगा 100। तो कभी भी आपको यह नहीं करना है कि सीधे ही आपने क्या लिख दिया 100, लिख सकते हो आई डोंट माइंड, बट सही मेथड ये है दोस्तों। तो आपको सही मेथड के साथ अगर जाना है तो मेरे साथ बने रहिए, यहां पे आपको इसी मेथड से जाना है। अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए हम आगे बढ़ेंगे, आपके हाथ में कैलसी होना चाहिए, हालांकि मेरे पास छोटा सा कैलसी है सो आई विल मैनेज विथ इट। ओके, तो देखिए यहां पे 2009 के अंदर हमारी प्राइस क्या है, तो ये होगा आपका P1, P1 का प्राइस है 284 और P0 मतलब मैंने बोला था बेस ईयर 2008 का प्राइस, तो अगेन इट इज 275 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप अपने कैलसी में अगर करोगे के 284 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां पे आपको बनेगा, आपका आंसर होगा देखिए यहां पे 284 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू विल गेट आंसर 103.27, दिस इज योर सेकंड ईयर इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन फिक्स्ड बेस मेथड, फिक्स्ड बेस मेथड। अब नेक्स्ट देखिए 2010 में हम जाते हैं, तो 289 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 275 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां पे आपका तीसरे ईयर का नंबर, तो ये भी आप कैलसी में कर सकते हो कि 289 डिवाइडेड बाय अगेन 275 इनटू 100। तो कैलसी जब स्टैटिस्टिक्स में यूज करो
तो पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स अ नंबर गेम। तो यहां पे 105.09 दिस इज योर थर्ड ईयर्स इंडेक्स नंबर। ओके, अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहां पे आएगा 2011, तो P1 क्या होगा बेटा? 293 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे तो बेस ईयर का प्राइस, सो 275 मल्टीप्लाई बाय 100, सो व्हाट विल बी द आंसर? अगेन देखो, 293 डिवाइडेड बाय 275 इनटू क्या करेंगे 100, सो इट विल बी 106.54 के बाद 5 है तो यू कैन हैव 5 आल्सो, तो 106.55। अच्छा, नेक्स्ट हम जाएंगे 2012, तो 297 डिवाइडेड बाय फिर से बेस ईयर 275 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर विल बी अगेन देखिए 297 डिवाइडेड बाय 275 इनटू 100, तो यहां पे आएगा आंसर 108.00। दिस इज द आंसर ऑफ 2012। अब देखिए 13, सो 13 का P1 क्या होगा? 313। अच्छा, बेस ईयर फिर से बेस ईयर का प्राइस 2008, 275 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर विल बी आपको फिर से 313 डिवाइडेड बाय 275 करना है, आंसर विल बी 113.82। हाँ सर, 82 क्यों लिया? सो देखिए, आप अपने कैलसी में ध्यान से देखिए, 818 यानी कि थर्ड जो है पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 8 है, दैट इज मोर देन 5, तो आपको 1 को 2 कर देना है, सो इट विल बी 82। अच्छा, नेक्स्ट इज 2014, सो 328 डिवाइडेड बाय P0 फिर से 275 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिर से देखते आंसर 328 डिवाइडेड बाय 275, तो यहां पे आंसर बनेगा 119.27। अब देखिए सर, 7 किया 8 क्यों नहीं किया? 7 के बाद 2 है यार, पेशेंस रखो, 5 से ज्यादा है तो आगे वाला नंबर इंक्रीज कर दो, 5 से कम है तो ऐसे ही रखो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट लास्ट ईयर है 2015, सो 345 इज योर P1 अपॉन 275 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर क्या आएगा? देखिए आपका आंसर यहां पे है 345 डिवाइडेड बाय 275, तो आंसर बनता है 125.45। ओके, सो दिस आर द इंडेक्स नंबर, सबसे पहले ईयर में 100 और उसके बाद इस तरह से आपका इंडेक्स नंबर बनेगा। बट मेथड कौन सी थी दोस्तों? मेथड थी फिक्स्ड बेस मेथड, और उसमें भी आपको स्पेसिफिक बताया था कि आपको 2008 की जो प्राइस है दैट इज 275 दैट यू हैव टू कंसीडर एज योर बेस, दैट इज व्हाई एवरी टाइम वी हैड कंसीडर्ड 275 एज अ बेस प्राइस, दैट मींस P0। और फिर से एक बार बता देता हूं कि P0 इज डिपेंड ऑन द मेथड। ओके, सो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल का जो फर्स्ट पार्ट है वो। नेक्स्ट पार्ट हम बाद में देखते हैं।